फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन करेंगे, है ना। और इससे आगे भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1-13 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था, आप उन्हें जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले फ्रेंड, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। समझ लेंगे तो बिल्कुल आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, सैंड, सैंड मतलब तो जानते हैं आप, बालू या रेत, है ना। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बालू गिर रही है ना, ये रेत गिर रही है। जैसे आप ऐसा समझ लें, सपोज ये पाइप है ना, और इससे क्या हो रहा है जी, बालू, बालू जो है ना वो गिर रही है, और ठीक है, ओके, गिर रही है। द फॉलिंग सैंड, है ना, आगे ध्यान से देखेंगे, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। जो बालू गिर रही है ना फ्रेंड, वो एक कोन बनाती है। ये पाइप से जो बालू गिर रही है वो क्या बना रही है, कोन बनाती है। तो चलिए कोन बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं। ओके, जैसा बोल रहा है उसे काम कर रहे हैं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, ठीक है। सैंड जो गिर रहा था उसे क्या बन जाता है, क्या बनता है, कोन बनता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, इन सच अ वे दैट द हाइट, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, है ना। मतलब जिसमें जिसमें रेडियस, ये जो हाइट है ना, हाइट जो है वो ऑलवेज 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इसके रेडियस के बराबर होते हैं। देखिए हम बोलते हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, इन सच अ वे, जिसमें दैट द हाइट, हाइट ऑफ द कोन, ये कोन का हाइट मान लीजिए h है ना, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, बेस रेडियस हम r है, ये कोन का बेस है, मतलब रेडियस मान लेते हैं, है ना, बेस रेडियस कितना है, r है, तो ये इसके 1/6 के बराबर है, ये मतलब ऑलवेज हमेशा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। आगे बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि हाउ फास्ट, कितना तेजी से इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। तो बोलता है कितना तेजी से इसका हाइट जो है, ये जो हाइट जो है वो तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये बालू गिर रही है तो हाइट तो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो बोलता है कितना तेजी से इसका हाइट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, आगे बोल रहा है, वेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब इसका हाइट 4 सेंटीमीटर का हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं एकदम आराम से, ठीक है। सिंपल सा भाषा में एक बार मैं फिर समझा दूं कि एक पाइप से बालू गिर रहा है, और जो बालू गिरता है उससे कोन बन जाता है, कोन बनता है, और कोन का जो कंडीशन ये दिया है कि इसका जो हाइट है, हाइट जो है वो ऑलवेज हमेशा 1/6 रेडियस के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए सिंपल सा हम सोल्यूशन करेंगे। अब ये केगा जो है ना वो थोड़ा साइड में बना लीजिएगा। लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ ऑफ कोन, ठीक है, ये कोन का, या आर बी द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, चलो एच बी द हाइट, एच बी द हाइट ऑफ किसका जी, कोन का, है ना, कोन सर्कल, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या दिया हुआ है, हाइट जो है वो हमेशा 1/6 रेडियस ऑफ बेस होता है, मतलब कोन का रेडियस के बराबर, ठीक है, हाइट। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, सिक्स को, यानी कि दिया हुआ है ना,
प्लस सॉल्व करने में ऐसा लिख सकते हैं, 6 इधर लेके आ जाए तो 6h बराबर r, ये यूज करेंगे है ना, कभी इस्तेमाल कर लेंगे हाँ ओके लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बताओ, ये सैंड गिर रहा था वो कितना दर से गिर रहा था फ्रेंड? सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस पर गौर करिए ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड से गिर रहा है, तो ये जो शंकु जो बना है ना, कौन जो बना, तो उसी दर से बना ना, इसका वॉल्यूम वही हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस है ना वॉल्यूम, लिखे वी से वॉल्यूम, या और लिख लीजिएगा वी द वॉल्यूम, वी द वॉल्यूम ऑफ फोन है ना, ये दिया हुआ है। एक और चीज दिया हुआ है ना, डीवी बटा डीटी दिख रहा है, डीवी बाय डीटी कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना। क्यूब से हम लोग यूनिट जानते हैं कि ये वॉल्यूम का होता है ठीक है। तो जो बन रहा है वो संकुल बन रहा है, कौन बन रहा है जी, तो हम लोग डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। से लिख लेने के बाद फ्रेंड है ना, हम लोग लिखेंगे सिंस हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जानते हैं ना, शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, तो उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओके ठीक है। तो क्या हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, कि बिल्कुल भी का भी इज इक्वल टू का इक्वल 1/3 पाई का पाई। अच्छा आर की जगह पर हम यूज कर सकते हैं 6h, क्योंकि h बराबर हमने 6 दिया हुआ था, तो हमने बोला कि क्या हम लोग आर यही रहने देते, 6 रहने के आ सकते हैं, यानी कि आर की जगह पर हम लोग 6h यूज कर सकते हैं, आर की जगह पर 6h यूज कर लीजिए, उसका स्क्वायर इंटू क्या है h, हम बड़ा नहीं आराम से एकदम, देखो ये बदल मैंने यूज किया है आर की जगह पर, चलो इधर लिख लेते हैं ठीक है। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 ठीक है, पाई भी ठीक है, 6 का स्क्वायर और h का स्क्वायर यानी 36 h स्क्वायर इंटू एच का एच, V इज इक्वल टू किस कट जाएगा 12/36 है ना जी, 12 तो 12 पाई एच स्क्वायर, अच्छा लिख देखो अच्छा से लिख देंगे 12 पाई और एच स्क्वायर, यहां एच कितना हो गया, एच क्यूब ना, यहां तक क्लियर है हाँ, एकदम आराम से करना। अब हम इसे क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएट करिए तो जी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो डीवी बारह पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कांस्टेंट है, एच एच क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जिस तरह से एक्स क्यूब का क्या होता था 3x2, उसी तरह से एच क्यूब का हो जाएगा 3h2 हाँ। और बताओ क्या लिखाएगा, यस dh/dt, क्यों सर डिफरेंशिएशन तो कर लिया, लेकिन हम लोग हाँ डिफरेंशिएशन पॉइंट बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएशन तो कर लिया एच क्यूब 3h2, लेकिन हम लोग यहाँ पर एच को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखा गया dh/dt, हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया था ठीक है, कि अगर फंक्शन दूसरा है और वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं है ना, जैसे मान लो वाई जाता था एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो dy/dx लिखते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर आप समझ लें कि एच क्यूब का तो डिफरेंशिएशन आपने 3h2 कर लिया, लेकिन एच वाला है और टी के रिस्पेक्ट में इसलिए dh/dt, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे है ना। चलो अब क्या करने वाले हैं, dv/dt का वैल्यू हमको मालूम है सर हाँ, ये देखो dv/dt ये भी दिया हुआ था ना, आंसू ये भी दिया हुआ था, तो यूज कर लीजिए यहां पर बार कितना है 12 सेंटीमीटर की पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी जगह पर लिख लिया बराबर,
बारह या छत्तीस, या इसी तरह से रहने दीजिए, बारह पाई इंटू थ्री एच स्क्वायर डी एच बटा डी टी। देखो अच्छे से, हाँ ये बारह से बारह कट जाएगा, आपके कट जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, अब टर्म को बटे में कर लेते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बटा थ्री पाई एच स्क्वायर, थ्री पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, डी एच बटा डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ही तो निकालना है, ये देखिए डी एच बटा डी टी निकल चुका है। लेकिन एक बात बोला था फ्रेंड कि जब एच हमारा फोर सेंटीमीटर का हो जाए, हाइट जो है वो कितना, फोर सेंटीमीटर, तो एक लाइन हमेशा लिख देते। देखिए इसको थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं, ये डी एच हम इधर लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, मतलब अच्छे से, ये इतने बराबर ही है, इतने बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन थ्री पाई एच स्क्वायर, या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हमें फाइनली जो है ना एच की जगह पर कितना पुट करेंगे, फोर सेंटीमीटर। तो डी एच बटा डी टी है ना फोर, कितना हाइट, हाइट एच, एच इक्वल टू फोर सेंटीमीटर लिख रहा है। अच्छा सर पूरा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन थ्री पाई, थ्री पाई एच स्क्वायर, एच का वैल्यू आपका फोर सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। अच्छा कुछ कटेगा क्या, देखो सेंटीमीटर क्यों है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर काट सकते हैं तो एक सेंटीमीटर बच जाएगा, और तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे, ऊपर बचा सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहां पर सोलह की अड़तालीस पाई, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वन बटा अड़तालीस पाई, सोलह की अड़तालीस पाई होगा ना जी, ऊपर कुछ नहीं तो एक है वन है, तो वन बटा अड़तालीस पाई और क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, एच बराबर फोर से। अब अच्छे से लिखना समझे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, स्पेस हमारे पास ऐसा नहीं है। ओके अब इसे अच्छे से लिखना ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि अपना आंसर है या नहीं है, बिल्कुल आपके राइट आंसर है ठीक है, आप इसे लिख लीजिए अच्छे से लिखिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी, हाँ लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन देखेंगे, है ना। देखिए ध्यान से जी, द टोटल कॉस्ट सी एक्स, है ना, टोटल कॉस्ट को क्या दिखा रहे हैं पर सी एक्स, ओके, इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, जो रुपीज लगा है उसका प्रोडक्शन जो यूनिट हो रहा है वो एक्स यूनिट में दिखा रहा है ठीक है। एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम्स इज गिवेन बाय, देखिए सी एक्स बराबर दिया है 0.07 x³ माइनस 0.03 x² प्लस 15 x प्लस 4000। आपसे बोल रहा फाइंड करो, फाइंड क्या करूं मैं, मार्जिनल कॉस्ट ठीक है, वेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब 17 यूनिट का निर्माण हो, प्रोडक्शन हो ठीक है, उत्पादन हो। देखो सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं डीसी बाय डीएक्स। ओके समझे बात को, तो यानी कि आप बताइए कि मार्जिन कॉस्ट कितना दिया था, सी एक्स ना यही ना, उसे आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स, सी एक्स कितना दिया था, 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15 x प्लस 4000 बटा। ओके सी एक्स ऐसे ले सकते हैं, चलो अब इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ये तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, फंक्शन साथ में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 0.007 इंटू एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3 x²
एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस 15 x का वन, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट का 0, यानी कि फाइनली हम लोग बात करें तो 27x बिल्कुल गुणा करेंगे तो है ना, ये ना आएगा जी, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग, है ना, 0.027 है ना, 2x स्क्वायर, आप अच्छा से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 × 6 यानी कि 0.006x प्लस 15 निकल चुका है, लेकिन बोला था लास्ट में कि 17 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है, देखिए है ना, x बराबर 7 मतलब 17 यूनिट्स, तो पुट करते हैं व्हेन x इक्वल टू 17 यूनिट्स यानी कि 17, ओके, तो 17 पुट कर दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट एक्स इक्वल टू 70, तो चलो भाई अच्छा सा गुणा करना, 0.021 ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना, तो 289 माइनस 0.006 इंटू एक्स का वैल्यू 17 प्लस 15 है ना, एकदम आराम से ना, ठीक है, दिख रहा जी, हाँ चलो दिख रहा, अब आप इसे गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, आपको मिल जाएगा 6.069, ओके, माइनस अब इसे गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 0.102 प्लस 15 का 15, ठीक है, अब इसे देखते देखते गुणा करके, है ना, चलो अब इसे सॉल्यूशन कर दीजिए, ये प्लस में है, ये प्लस में, इसको घटा लेंगे, है ना, तो आपको फाइनली मिलेगा कितना, 20.97, हाँ ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा ना, कैलकुलेशन करना है, बोला तो बिल्कुल आपके हैंड का बात है ना, काम कर सकते हैं ना, तो आप मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एक बार पर्सन को डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो पॉइंट पुट करना रहेगा वो पुट करके फिर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, देखिए रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोला गया है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, टोटल जो पैसा उसको रिसीव हो रहा है जो सेल बिक्री हुआ उससे, है ना, ऑफ द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, आगे बोल रहा हूं फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड करना मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x बराबर 7 रुपीज, है ना, ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात कर ले कि सबसे पहली बात कि हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को जान ले, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू क्या लिखते हैं, dr बाय dx, किस तरह फाइंड करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू को, ठीक है, dr बाय dx मतलब r जो दिया रुपीज उसको आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे 3x 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 बटा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब एक बार आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए और गया मार्जिनल रेवेन्यू, तो 13 का 13 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 26x का 1 यानी कि 13 × 26x प्लस 26 है ना जी, ये मार्जिनल रेवेन्यू निकल चुका है, लेकिन आपको बोल दिया था लास्ट में x बराबर 7 है, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एक्स बराबर 7, तो 26 × 7 प्लस 26 का 26, तो 26 को 7 से गुणा कर लीजिए यानी 6 × 7 = 42 के 2 प्लस के 4 7 × 4 = 18 तो प्लस 26 जोड़ लीजिए 6 और 2 8 2 और 10 = 0 बचे 2 8, ठीक है,
कि ये मार्जिनल रेवेन्यू बन चुका है, ठीक है। तो जो लास्ट का दोनों क्वेश्चन जो बनाया है लोगों ना, वो बेहद आसान है और पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। रियली बता रहा हूँ, अभी तक पूछा भी नहीं गया, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो मैंने उसे बना भी दिया, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे, ओके। फिर हम लोग जो है और नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, है ना फ्रेंड, ठीक है। चलो थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।